Friends, I am Divyadarshan Purohit from Gurudev Observatory, Vadodara, India. This is 27th October 2018, Saturday. Sunset has already been passed. Now we are observing anti-solar point. We can clearly see the bluish grayish type of the band just above the Earth. It is the shadow of Earth. You will amazing to listen that Earth's shadow has been extended in the space up to 1.4 million kilometers. The best example of the Earth's shadow is total or partial lunar eclipse. Above the bluish gray band, one can see the reddish color. It is a belt of Venus. It has no relation with Venus or any planet, but it is the reflection of the solar rays from the atmosphere of the Earth. So we can see the reddish color. This is the shadow of Earth, and above the shadow of Earth is the belt of Venus. It is clearly visible at anti-solar point and also at 360-degree rotation, except only the direction of sunset. मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव शाला से बोल रहा हूँ. हम लोग एंटी सोलार पॉइंट पर अभी देख रहे हैं और हम यहाँ पर बेल्ट ऑफ वीनस और नीचे ब्लूइश कलर की आपको एक बैंड दिखाई दे रही है. ये है अर्थ की शेडो है. अर्थ की शेडो आपको आश्चर्य होगा कि करीबन 14 लाख किलोमीटर तक आकाश में फैलती है और हम जो रात्रि में देखते हैं वो अर्थ की शेडो ही होती है. और सबसे बेस्ट एग्जांपल है चंद्र ग्रहण. खगराज या खंडग्रास चंद्र ग्रहण जब देखते हैं तब हम पृथ्वी की परछाई देख पाते हैं. और अगर आप देखेंगे तो कर्वेचर, जैसे जैसे आप अपना सिर बाएं से दाएं घुमाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कर्वेचर दिखाई देगा. ये अर्थ का राउंड शेप दिखता है. इसके अर्थ शेडो के जो ब्लूइश ग्रे बैंड आप दिख रहा है उसके ऊपर आपको एक रेडिश कलर का छोटा सा बैंड दिख रहा है, वो भी 360 डिग्री की तरह फैला हुआ है. ये जो बैंड है वो उसको बैंड ऑफ फिनस, बेल्ट ऑफ फिनस बोलते हैं. उसको शुक्र ग्रह के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है. ये केवल सूर्य के रिफ्लेक्शन के चलते हुई एक सेलेस्टियल फिनोमिना है. ऑप्टिकल इल्यूजन भी नहीं है. ये सोलर रिफ्लेक्शन होता है. सन रे रिफ्लेक्ट हो करके अर्थ के एटमोसफेयर से पास होते गुजरते उसके चलते होता है. और जब एटमोसफेयर क्लियर होता है तब ये दोनों सेलेस्टियल इवेंट दिखाई देती हैं. और ये खास करके सिविल एंड ट्विलाइट पर ही दिखाई देती है. आप या तो उसको पूर्व, जब सूर्योदय हो रहा है तो उसके पूर्व पश्चिम दिशा में देख सकते हैं, या सूर्यास्त के बाद पूर्व दिशा में भी उसको देखा जा सकता है. वी आर हियर क्लियरली ऑब्जर्विंग द बेल्ट ऑफ वीनस एंड द शेड ऑफ अर्थ. Earth shadow will now going to be extend and extend more and more, and we will observe the night after few hours. मित्रों, हम क्लियरली देख रहे हैं जो अभी अर्थ की जो शेडो है, परछाई है, वो धीरे धीरे ऊपर चलती हुई चली जा रही है. और कुछ ही घंटों में, या कह सकते हैं कुछ ही मिनटों में, हम सिविल एंड ट्विलाइट से गुजरते हुए नॉटिकल और फिर एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट में चले जाएंगे और उसके बाद में रात्रि हमारे सर पर आती हुई हम देख पाएंगे. सूर्यनारायण के दोनों पुत्र हैं, दिन और रात, और ये उषा काल रहता है और संध्या काल रहता है. ये जो हम देख रहे हैं वो एंटी सोलार पॉइंट पर जो पंछी भी जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ऊपर से बेल्ट ऑफ वीनस से गुजर करके अर्थ की शेडो में चले जाते हमने देखे. अब ये क्लियरली विजिबल हो रहा है अर्थ शेडो. थैंक्स फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी.